हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी का पेपर फर्स्ट अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। और इस पेपर फर्स्ट अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट है पैरासिटोलॉजी। इस पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत सिलेबस में बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में तीन पैरासाइट रखे गए हैं। फर्स्ट पैरासाइट है ट्रिपैनोसोमा, सेकेंड है जियार्डिया और थर्ड है बुचेरिया। डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पैरासाइट है ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा के बारे में कुछ जनरल जानकारी जान लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा एक तरीके का प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले एनिमल, जिसके जिसे प्रोटोजोआंस कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। और ये इसके जरिए एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, या जिसे हिंदी में अनिद्रा रोग कहा जाता है, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके कुछ सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रिपैनोसोमा फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास जूमस्टिगोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, जीनस ट्रिपैनोसोमा और स्पीसीज इसकी गैम्बियंस है। तो हमने बताया कि ये इसके जरिए स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस होती है। ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन पैरासाइट के रूप में, मानव के परजीवी के रूप में ऑब्जर्व किया गया था फोर्डे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1901 में इसे ह्यूमन पैरासाइट के रूप में ऑब्जर्व किया था। स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय सीसी फ्लाई वॉज डिस्कवर्ड बाई सर डेविड ब्रूस। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है ये सीसी फ्लाई के जरिए फैलती है, इसको डिस्कवर किया था सर डेविड ब्रूस ने। इसके हैबिट्स और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा लिव इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इन द लिम्फ ग्लैंड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ट्रिपैनोसोमा जो होती है ये जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके ब्लड स्ट्रीम में और लिम्फ ग्लैंड्स में पाई जाती हैं, और यहीं से ये सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए सर्कुलेट होती रहती हैं, और सर्कुलेट होते होते इट्स इन्वेड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ CNS। उसके बाद ये ब्रेन में पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये पहुँच जाती है, और जिसकी वजह से एक तरीके से एक डिस्टरबेंस पैदा कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है ब्रेन में, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, और नींद ना आने के कारण इसे अनिद्रा रोग भी कहा जाता है, अनिद्रा रोग कहा जाता है। इसके इन्फेक्शन होने की वजह से एक तरीके से फीवर स्टार्ट हो जाता है, जो इनके मेन सिम्टम्स हैं, फीवर स्टार्ट हो जाता है, हेडेक हो जाता होने लगता है, और जॉइंट्स में जो जोड़ होते हैं बॉडी में वहाँ पर दर्द होना चालू हो जाता है। इनके मेन लक्षण है, और इसके साथ ही स्लीप जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जो नींद होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और नींद नहीं लगती, इसी वजह से इसे अनिद्रा रोग कहा जाता है। द मेन वेक्टर इज द सीसी फ्लाई। जो मेन वेक्टर है, इसकी जो मेन वाहक है वो एक तरीके की मक्खी है की वैरायटी है, जिसे सीसी फ्लाई, जिसे जो जूलॉजिकल नाम है ग्लोसियना पेल्पेलिस के नाम से जाना जाता है। यही मेन वेक्टर है फ्लाई ग्लोसियना पेल्पेलिस, और जबकि जो सेकेंड वेक्टर है, या हम कह सकते हैं जो सेकेंड होस्ट है वो है ह्यूमन, जिनमें ये इनकी कुछ लाइफ साइकिल चलती रहती है, और कुछ लाइफ साइकिल इस सीसी फ्लाई के अंदर चलती है। और ये ज़्यादातर एक तरीके से ट्रिपैनोसोमा ये ज़्यादातर वेस्ट
अफ्रीका में पाए जाते हैं, वेस्ट अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, वो भी कांगो और नाइजीरिया कंट्री में, कांगो और नाइजीरिया कंट्री में पाए जाते हैं। वेस्ट अफ्रीकन होने में पाए जाने की वजह से इसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। और जबकि गैम्बियन इसकी स्पीसीज होने की वजह से इसे गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियसिस भी कहा जाता है, गैम्बियन ट्रिपैनोसोमियसिस भी कहा जाता है इस डिजीज को। अब आइए देखते हैं इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ट्रिपैनोसोमा हमने पहले ही बताया कि एक यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, काफ़ी सूक्ष्म होता है, ये इलोंगेट होता है मीन्स लंबा होता है, और ये लीफ लाइक फ्लैटेंड होता है, पत्ती के जैसा होता है, चिपटा होता है, और दोनों सिरे जो होते हैं वे मुड़े हुए होते हैं या टेपरिंग होते हैं, नोकीले टाइप का हम कह सकते हैं कि इंटीरियर रीजन और पोस्टीरियर, इस पार्ट को इंटीरियर और इस पार्ट को पोस्टीरियर रीजन कहा जाता है। तो मीन्स इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रीजन टेपर्ड होते हैं, मीन्स नोकीले टाइप के होते हैं, और इनकी जो लंबाई होती है इट्स मेजर्स 10-40 माइक्रॉन इन लेंथ, ये 10-40 माइक्रॉन तक लंबे हो सकते हैं, एंड 2.5-10 माइक्रॉन इन विड्थ, और 2-10 माइक्रॉन ये चौड़े हो सकते हैं। इट्स पॉलीमॉर्फिक स्पीसीज आकर्स इन टू फॉर्म, इनकी जो स्पीसीज होती है पॉलीमॉर्फिज्म होती है, मींस एक से अधिक रूपों में पाई जाती है, मींस ये ट्रिपैनोसोमा जो गैमेंस होती है दो फॉर्म में पाई जाती है, एक है ट्रिपैनोसोम और दूसरी है क्रिथिडियल। तो इनके मॉर्फोलॉजी में हम आइए जान लेते हैं कि इनकी जो बॉडी हमने बताया कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर एलांगेट होती है, इनकी बॉडी एक चारों तरफ से एक कवरिंग के जरिए, इलास्टिक कवरिंग के जरिए कवर्ड होती है, जिसे हम पेलकिल कहते हैं, और ये पेलकिल्स से अटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत सूक्ष्म ट्यूब्यूल्स होती हैं जो इनके इंटरनल पार्ट से अटैच्ड होती हैं, और इनको फर्म कवरिंग प्रोवाइड करती हैं, ट्रिपैनोसोमा को फर्म कवरिंग प्रोवाइड करती हैं। इनके अंदर की तरफ, एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म दो रीजन में डिफरेंटिएट होता है, मीन्स एक तरीके से कहते हैं कि दो भागों में बटा हुआ होता है, जो किनारे की तरफ पेलकिल के किनारे किनारे की तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे इक्टोप्लाज्म, और जबकि जो अंदर की तरफ अंदर बॉडी की बॉडी में अंदर की तरफ पाया जाता है जिसे इंडोप्लाज्म कहा जाता है। और इस एंटीरियर रीजन में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है जिसे काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है, और इस काइनेटोप्लास्ट में ट्रिपैनोसोमा के डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड पाए जाते हैं, और ये डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रैंड एक माइटोकॉन्ड्रियान में पूरे हम कह सकते हैं कि लगभग आधी बॉडी तक फैला हुआ होता है, और जस्ट उसी के कुछ बगल में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे ब्लीफेरोब्लास्ट प्लास्ट या बेसल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ब्लीफेरोब्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल से एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइजेज होती है जिसे फ्लैजलम कहा जाता है, निकली हुई होती है जिसे फ्लैजलम कहा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फ्लैजलम होता है वो इनमें एक सिंगल फ्लैजला पाया जाता है जिसकी वजह से इसे फ्लैजलम कहा जाता है। फ्लैजला इज ए प्लूलर फॉर्म जबकि फ्लैजलम इज ए सिंगुलर फॉर्म। तो
इसके पोस्टीरियर रीजन से नियर द काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट के नज़दीक से ही पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक फैली हुई होती है एक फ्री फ्लैजलम, या हम कह सकते हैं कि फ्लैजलम होती है जो आगे चल करके मीन्स पोस्टीरियर बॉडी से पूरी तरीके से फ्री हो जाती है। ब्लीफेरोब्लास्ट से ये निकलती है और पूरी बॉडी से अटैच्ड होती है और ये पोस्टीरियर रीजन में पूरी तरीके से फ्लैजलम फ्री हो जाती है और ये बॉडी से अटैच्ड होकर के एक मेम्ब्रेनस फोल्डिंग का फॉर्मेशन करती है, मेम्ब्रेनस फोल्डिंग बनाती है जिसे हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि माना जाता है कि ये एडाप्टेशन फॉर लोकोमोशन, इनको मूव करने के लिए, इनको तैरने के लिए, इनको चलने के लिए हम कह सकते हैं कि ये मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। और बीच में सेंट्रल में एक ओवल वेसिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और इस न्यूक्लियस में एक डार्क स्ट्रक्चर सेंटर में पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। न्यूक्लियस ये बाइलेयर्ड होता है मीन्स डबल यूनिट मेम्ब्रेन के जरिए बना हुआ होता है और बीच बीच में इनमें पोर पाए जाते हैं मीन्स न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं और अंदर एक फ्लूइड स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म की तरह जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो इनके क्रोमोसोम होते हैं वे स्कैटर्ड होते हैं और इस साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी जो हमने फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर बताया साइटोप्लाज्म जिन्हें हम कहते हैं इसी साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल्स ढेर सारी मात्रा में ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं जिसे रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स कहा जाता है और इनमें फूड मटेरियल्स जो होता है इनका ग्लाइकोजन एंड फास्फेट के रूप में स्टोर्ड होता है, फास्फेट और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड होता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें जो बाहर की तरफ से कवरिंग होती है जिसे पेल्किल कहा जाता है और पेल्किल इनको फर्म प्रोवाइड करती है कि शेप प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से इलांगेट और लीफ लाइक अपीयर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं कुछ इनके मॉर्फोलॉजी में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर हैं। से फर्स्ट है द होल पेल्किल, द होल बॉडी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय इलास्टिक पेल्किल्स द फर्म कवरिंग द पेल्किल्स। हमने बताया कि जो पूरी बॉडी एक बाहर की तरफ से इलास्टिक कवरिंग के जरिए कवर्ड होती है जिसे पेल्किल कहते हैं, इसकी वजह से इसमें एक तरीके से इसको सेप साइज मिलता है, ट्रिपैनोसोमा को सेप साइज मिलता है। नेक्स्ट है फ्लैजलम, ये हमने बताया कि यूनिफ्लैजलेट होते हैं, ऐसे इनमें सिंगल फ्लैजला पाया जाता है इसकी वजह से इन्हें यूनिफ्लैजलेट कहा जाता है। एराइजेस फ्रॉम बेसल बॉडी या जिसे काइनेटोसोम कहा जाता है, ये फ्लैजलम जो होता है ये बेसल बॉडी से निकला हुआ होता है जिसे काइनेटोसोम भी कहा जाता है। इट रन्स फॉरवर्ड अटैच एलॉन्ग द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, ये आगे की तरफ ऊपर, या हम कह सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये पूरी बॉडी की लंबाई में अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है और इंटरनल फाइब्रिल अरेंजमेंट जो होता है इनका, अंदर की तरफ से जो फाइब्रिल अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनमें जो फाइब्रिल्स होते हैं वो किनारे की तरफ, 9 की संख्या में होती हैं, किनारे की तरफ 9 की संख्या में होती हैं और जबकि अंदर की तरफ ए फाइब्रिल्स 2 होती हैं, 2 होती हैं, जिनकी वजह से जो फाइब्रिल अरेंजमेंट होता है वो 9+2 का होता है। नेक्स्ट है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, हमने पहले ही बताया कि इट इज़ अटैच्ड
इज फोल्ड ऑफ इनटू अ मेम्ब्रेनस फोल्ड। ए ट्रिपेनोसोमा की बॉडी से अटैच होता है और एक तरह से खींचा हुआ होता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड का फॉर्मेशन करता है, मेम्ब्रेनस फोल्ड बनाता है। बिलीव दैट एन एडाप्टेशन फॉर लोकोमोशन, हमने बताया कि ये विश्वास किया जाता है, माना जाता है कि एक तरीके का एडाप्टेशन है लोकोमोशन के लिए, या इनके चलने के लिए या तैरने के लिए एडाप्टेशन है जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड विद इन द पेलिकल्स, साइटोप्लाज्म ए पेलिकल्स के अंदर बंद होती है और इट्स डिफरेंटिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ए एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंटिएट होती है। इन सबने बताया कि किनारे की तरफ, पेलकिल के किनारे की तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे एक्टोप्लाज्म, और अंदर की तरफ जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है जिसे एंडोप्लाज्म कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रियन गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब इस साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। साइटोप्लाज्म में इसके ये माइटोकॉन्ड्रियन गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अटैच्ड होते हैं राइबोसोम, और लाइसोसोम भी पाए जाते हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है जो उनके विभिन्न तरीके के जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं या जो भी और हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनको एक तरीके से एक एक्शन करके इनको ख़त्म कर देता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बॉडी के अंदर बनते हैं उसको ख़त्म करते हैं। बॉलुटिन ग्रेन्यूल्स, इनमें जो हमने बताया कि जो रिजर्व जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है जिन्हें बॉलुटिन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है, और इनमें फूड ग्लाइकोजन और फास्फेट के रूप में स्टोर्ड होते हैं, ग्लाइकोजन और फास्फेट के रूप में स्टोर्ड होते हैं। जब इनको भोजन नहीं मिलता तो यही ग्लाइकोजन और फास्फेट इनसे ही ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, ए लार्ज ओवल एंड वेसिकुलर न्यूक्लियस, हमने पहले बताया कि इनमें लगभग सेंट्रल में एक लार्ज ओवल अंडाकार और वेसिकुलर मीन्स डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस पाया जाता है, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियोलस आर इंडोसोम, न्यूक्लियोलस को इसके बीच में एक डार्क स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, या न्यूक्लियोलस को एंडोसोम भी कहा जाता है, ये सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम स्कैटर्ड इन न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर की तरफ न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में इनके ट्रिपेनोसोमा के क्रोमोसोम फैले हुए होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ट्रिपेनोसोमा के स्ट्रक्चर के बारे में, हम कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया।